सीन ये है कि मेरे लिए हमेशा यूट्यूब वॉज टू थिंग्स, एक था सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम और दूसरा था मीन्स टू एन एंड। मुझे पता था कि यार मेरे लिए तो यूट्यूब शायद बहुत सालों तक मेरा दिल चाहे वीडियोस बनाने का, एज लॉन्ग एज आई एम वॉचिंग गुड वीडियोस, मैं अच्छी दी वीडियो देखने के बाद दिल चाहता कि यार खुद ऐसा कुछ बनाएंगे। लेकिन एक यूट्यूबर की लाइफ जनरली इतनी ज़्यादा नहीं होती, इरेलीवेंट हो जाते हैं, लोग नहीं देखना चाहते, नए लोगों को देखना चाहते हैं। तो मैंने ये हमेशा से सोचा था कि जब तक यूट्यूब चल रहा है चलाएंगे, जब तक जब थोड़ा नीचे आने लगेगा तो मैं ऑलरेडी इतनी वीडियोस में हिंट्स ड्रॉप करता रहता हूँ, डायरेक्टर बनना है, इस कैमरा पे शूट करना है, ये वो, तो अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी और आ रही थी और थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन का काम मिल रहा था। उसके बाद उसमें बिल्कुल भी वो, एक तो फुलफिलमेंट नहीं थी, क्रिएटिव फुलफिलमेंट। दूसरी बात ये कि ब्रांड्स जो हैं, यहाँ तो मैं ब्रांड्स को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप वही ऑर्डर करेंगे जो आपको चाहिए, हाँ, आप शेफ की मर्जी से नहीं चलेंगे। तो क्लाइंट को एक चीज चाहिए, वो आपके ऑल्दो पास आया ऐसे है, ऐसे होते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स जहाँ बहुत शेफ कम आपको पता। होते हाँ, और आई हैं। थिंक हाँ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कम है, बट हाँ हाँ तो इस वजह से मैंने ये देखा कि यार मेरी टीपीआर की अगर 10 पॉडकास्ट मैंने किए हैं तो उसमें मैंने 9 में बोला है कि मुझे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता। तो अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो ये तो मेरी लाइफ बन जाएगी कि अगर ब्रांड ने बोला कि ये शॉट आप काट दें, भले जितना अच्छा लग रहा हो वो मुझे काटना पड़ेगा, वहां पे मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ये है वो है। राइट राइट तो फिर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट टू डायरेक्टर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर, टू ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री। एक ने तो वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि उन्होंने बोला कि नहीं होता ऐसा कुछ, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि ब्रांड ने कटवा दिया। एक और से मैं मिला और उन्होंने तो मुझे स्ट्रेट अप ये बोला कि इरफान तुम एक बहुत अच्छी पोजिशन में हो, तुम इस साइड पे आओगे ना तो तुम बहुत ज्यादा उकता जाओगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये साइड कैसे छोड़ूं। तो मुझे उससे ये समझ में आया कि यार कमर्शियल्स नहीं बनाने, हाँ अगर यही इन लोगों का एक्सपीरियंस है, मे बी म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, ये वो, इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स राइट वो फिर आई'd लव टू। लेकिन अभी यूट्यूब पे थोड़ा कंसिस्टेंट होने के बाद मुझे एक बड़ी ब्लेसिंग फील हुई है जो पहले नहीं होती थी। पहले मैं उसको बहुत इग्नोर करता था कि मुझे पब्लिश दबाने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेनी, किसी को कुछ जवाब नहीं देना, तो वो चीज मैं एज अ जॉब नहीं करना चाहता। और वीडियो बनाने में लगते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कमर्शियल में महीनों लग जाते हैं, यू ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, टर्की, ये वो, इतना दिल लगा के आपने काम किया। एक और ये भी इसमें लाइफ लेसन है कि काम के साथ दिल लगाना ना कभी कभार बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो और अगर माली हालात ऐसे हो जाते हैं कि करना पड़े तो नाउ इट्स नॉट, नो लॉन्गर अ रोमांटिसाइज्ड राइट करियर राइट फॉर मी। आंखें खोल के जा रहे हो। काम है, काम है, काम करेंगे, पैसे लेंगे, हाँ घर जाएंगे, कोई आपको कटवाना है आप कटवा दो, कोई मसला नहीं। राइट राइट इज इट गुड टू से ऑल ऑफ दिस इतने पब्लिकली? खैर, आई मीन हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ब्रांड्स वाले सोचेंगे इरफान ऐसी बातें कर रहे हैं, बट आई थिंक ब्रांड्स वाले ये देखेंगे, दे बी लाइक यस, ये हमारा बंदा है, ये बहस नहीं करेगा एंड हमें तो हाँ समझाता ही है। क्योंकि मुझे अब वो खौफ नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट अ प्रायोरिटी इन माय लाइफ, ब्रांड्स को खुश करना है नहीं करना है। सही। मैं मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है। अगर आप, मैं एज अ क्रिएटर एंड एज अ डायरेक्टर दोनों उसमें बात कर रहा हूँ कि यू हैव कम टू मी आफ्टर सीइंग माय वर्क, तो मुझे वो बनाने दो जो मैं बनाना चाहता हूँ, आइडिया में हम बात कर रहे हैं ये वो। लेकिन मैं आज भी, जब अब तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ा नेगोशिएट करवा लेता हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई ब्रांड मुझे बोलता है कि आप ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, वो माइनर चीजें होती हैं, वो कॉन्सेप्चुअली कुछ अलग नहीं होता। और अगर होता है तो मैं बोल देता हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू, हाँ, मतलब बात मान ली बात जाती है। मान ली जाती है, या फिर वो प्रोजेक्ट किसी और को दे देते हैं। तो मुझे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट, मुझे कोई उससे एतराज नहीं कि अगर आपको एक चीज चाहिए मैं वो नहीं दे सकता तो आप नहीं करें मेरे साथ काम।